देखिए इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बीजेपी आज से नहीं आदिकाल से चाहती है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, हमारे घोषणा पत्र में भी, और हमारे लिए आस्था का विषय है। आज जो धर्म संसद वहाँ पर हो रहा है, बस्ती जिले के हर गांव से नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब उसमें शामिल हो रहे हैं, एक पूरे देश में जागरूकता है, और हम लोग भी एक सांसद होने के नाते अपनी सरकार से मांग करेंगे कि कोर्ट में परसू करके कोर्ट का डिसीजन जल्द से जल्द हो। अगर कोई और दूसरा रास्ता निकाला जाए तो उसके लिए भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई दूसरा रास्ता निकालने का प्रयास करें। अमित शाह तो कह रहे हैं कोर्ट से ही निर्णय आए, अध्यादेश नहीं लाएंगे। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने अध्यादेश की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि सरकार से प्रयास करेंगे कि सरकार कोई रास्ता निकाल करके राम मंदिर का निर्माण शुरू करे। बाधक कौन है? अभी तक तो कोर्ट में विचाराधीन है, इस नाते कोर्ट का निर्णय नहीं आया है। तो अभी अब देखिए, ये तो सबको पता है कि सपा बसपा कांग्रेस तमाम ऐसे दल हैं जो राम मंदिर के खिलाफ है। और अभी कल ही आपने देखा जिनके पिताजी 20-22 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे, उनको आज तक किसी चिंता नहीं हुई। सेना पर हमेशा अविश्वास करते थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने कल ये मांग की है कि अयोध्या में स्थिति बड़ा खराब है, वहाँ सेना लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं सबको स्पष्ट है, वो लोग खुलेआम राम मंदिर के विरोध में है, तो हमको कहने की बात नहीं है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिल करके अपनी सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इसका कोई जल्द से जल्द समाधान। आपके सहयोगी दल भी नाराज हैं, शिवसेना को खुद आना पड़ा यहाँ पे, उद्धव ठाकरे आए। शिवसेना भगवान राम केवल हमारे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में रहने वाले हर हिंदुओं के हैं, भगवान राम को मानने वाले हर व्यक्ति के हैं। तो शिवसेना के लोग अगर आकर के दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उसमें ये कोई नहीं। उन्होंने कहा है कि भाजपा अब राजनीति छोड़े और मंदिर बनाए। देखिए अब वो क्या कहें वो उनका विषय है, कुल मिलाकर के उनका भी ये लक्ष्य राम मंदिर बनना चाहिए, और हम लोगों का पहले से लक्ष्य राम मंदिर बनना चाहिए।